टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर में आपका स्वागत है दोस्तों। स्टूडेंट बात करेंगे आपका एस्टेट पीजीटी कंप्यूटर के पेपर में आपके लास्ट 5 डेज बचे हैं, तो उसमें आप क्या पढ़ें जिससे आपके नंबर थोड़े बढ़े, कम ना हो बिल्कुल भी। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर कंप्यूटर साइंस से जुड़ी वीडियो और आपके एग्जाम से जुड़ी अपडेट आपको रेगुलरली मिलती रहती है। यूट्यूब से पहले अपडेट पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप कंप्यूटर साइंस और हरियाणा जी के नोट्स चाहते हैं तो दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपके 5 दिन बच गए हैं, तो दोस्तों आपको नया पढ़ने की कुछ कुछ ज़रूरत नहीं है। जितना आपने तैयारी कर दी है वो आपके लिए सफिशियंट है। अब आप डिमोटिवेट ना हो, आप बस आपकी तैयारी को अच्छा करने के लिए आप एक तो अपने अपने जो भी अभी तक पढ़ा उसका रिवीजन कीजिए, और जो आपने अभी तक जो काम नहीं किया है वो करिए। जैसे कि आप अपना प्रीवियस पेपर लीजिए स्टेट के, उसमें आप मतलब सारे क्वेश्चन करिए, आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए डेली। आप ये उम्मीद मत कीजिए कि आपको एज इट इज़ वही क्वेश्चन आएंगे, कुछ 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 क्वेश्चन एज इट इज़ आएंगे, लेकिन आपको मोस्टली क्वेश्चन जो मतलब जो आपको पहले आ गया है उनसे रिलेटेड मिलेंगे। जैसे पहले आपका कुछ टॉपिक पूछा गया था, जैसे हम C++ की बात करें तो हमारा जैसे पहले पूछा गया था कि फ्रेंड फंक्शन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, तो दोस्तों आपको एज इट इज़ वही क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अब की बार आपको ये आ सकता है कि फॉल्स कौन सी है। तो आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे। तो दोस्तों आप अपने प्रीवियस पेपर उठाइए, जो भी क्वेश्चन है सारे करिए, उनसे आप एक लिस्ट बनाइए कि कौन से क्वेश्चन से कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो दोस्तों उसको अच्छे से करिए, क्योंकि उसके काफ़ी ज़्यादा चांस है कि वो रिपीट हो। तो दोस्तों आपको बेस्ट ऑफ लक, आप अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए और पेपर अच्छे से क्लियर कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।